अपने पति को दिया है कि वो देश के लिए गए थे और वहाँ के देश की रक्षा करने में शहीद हूँ। मुझे गर्व है कि मैं कमांडर टीके सिंह की पत्नी हूँ और ऐसा नसीब मुझे बार-बार मिला। ये नसीब सबके नसीब में नहीं होता। जिस दिन उन्होंने मेरी शादी की उस दिन ही उनके कहते पहली दीदी मेरा देश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको गोपालगंज खबर। गोपालगंज के बरौली प्रखंड के भरकुइयां गांव निवासी एनएसजी कमांडो दीपक कुमार, जो कि सैनिक के रूप में लद्दाख के लेह में वो ड्यूटी पर तैनात थे, ड्यूटी के दौरान भीषण बर्फबारी के कारण गाड़ी फिसलकर गहरे में गिरने से वो शहीद हो गए। शहीद की सूचना पाकर हर किसी की आंखें नम हो गई। वहीं घर में पूरा परिवार चीत्कार मारकर रो रहा है तो पिता अपने बेटे द्वारा कही गई बात को याद कर अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। दीपक कुमार सिंह देश की सेवा में 2011 में लगे थे और तब से अब तक वह लगातार देश में सेवा में लगे रहे। पिछले नवंबर तक उनकी ड्यूटी अमरनाथ में थी। अमरनाथ से हटने के बाद वह घर आए थे तथा अब उनकी तैनाती लद्दाख के लेह में दी थी। दीपक कुमार सिंह के पिता प्रहलाद सिंह के माने तो उन्होंने मंगलवार की रात मोबाइल से अपने बेटे से बात किया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि अब अधिक दिन नहीं है, प्रमोशन मिलने के बाद आप लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद लेने के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। पिता भी उसी की बातों से संतुष्ट थे और बेसब्री से 2 माह बीतने और बेटे को आशीर्वाद देने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगले ही दिन बेटे की शहीद की खबर जब पहुंची तो सारे सपने एक मोबाइल के कॉल से चकनाचूर हो गया। बता दें कि एनएसजी कमांडो दीपक कुमार सिंह शहीद लेह में अचानक उनकी गाड़ी भीषण बर्फबारी में फिसलकर गहरे में गिर पड़ी, जिससे दीपक कुमार सिंह शहीद हो गए जबकि उनके अन्य 4 साथी बुरी तरह से घायल हो गए। और आज 7 जनवरी को उनका अंतिम यात्रा है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ उनकी अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इस पूरी घटना पर उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि वो देश के लिए गए थे और वहाँ के देश की रक्षा करने में शहीद हूँ। मुझे गर्व है कि मैं कमांडो दीपक सिंह की पत्नी हूँ। मुझे इस चीज का गर्व है कि ये नसीब सबके नसीब में नहीं होता। सबके नसीब में नहीं होता। शहीद की पत्नी बनना सबकी बस की बात नहीं। जिस दिन उन्होंने मेरी शादी की उस दिन ही उनके कहते पहली दीदी मेरा देश है, पहला दीदी मेरा देश है, तुम मेरे देश के बाद तुम हो, मेरे देश के बाद मेरा परिवार है। जब मैं नसीब वाला होऊंगा तो मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा। तुम कभी इसको वो मत होगा, कभी आंसू मत गिरा। मैं उन्हें नमन करती हूँ, बारम्बार सलूट करती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं कमांडर टीके सिंह की पत्नी हूँ और ऐसा नसीब मुझे बारम्बार मिला। मेरे पति कमांडर टीके सिंह थे और मैं पति को अपनी बेटी को कंधा पे 4 लगा के भेजना चाहती हूँ उसी बॉल में उसी जगह। मेरा ये सपना और कमांडर टीके सिंह का भी ये सपना था, मेरे पति का भी ये सपना, उसका सपना पूरा करने के लिए वो है। मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे पति नहीं, पति मेरे चले गए मुझे इस स्थिति में झुकी और मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। नहीं, मेरे पति का सपना है और मैं जरूर पूरा करूंगी।